नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जैसी जी के बारे में पढ़ा था और वो आपका निर्गुण शाखा के आपके निर्गुण शाखा के थे। आज हम लोग सगुण भक्तिधारा शाखा के पहले कवि राम भक्तिधारा के तुलसीदास जी के बारे में पढ़े। चलिए, तो अगर इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए तुलसीदास जी, तो ये कहते हैं, पहला महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो तुलसीदास जी सगुण कहते के रामाश्रय शाखा के कवि सगुण काव्य सगुण शाखा के सगुण काव्य के रामाश्रय शाखा के कवि है। ठीक, अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, क्या कहा गया, कहते इनका जन्म, यानी किसका, तुलसी बाबा का जन्म, इनका जन्म संवत संवत 1589 संवत 1589 विक्रमी। ठीक, कहाँ हुआ था तो संवत 1589 विक्रमी में, स्थान देखिए इस संवत है, संवत से अगर 57 घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका सन आ जाएगा, तो 89 में से 57 घटाएंगे तो 1532 आ जाएगा। देखिए 89 में से अगर आप 57 माइनस करेंगे तो 9 में से 7 गए 2, 8 में से 5 गए 3, यानी ये जो 1532 आए ये क्या हो गया आपका सन हो गया। ठीक, ये माइनस किए गए। ठीक, किसी भी विक्रमी संवत से आप 57 माइनस करते हैं तो वह विक्रमी संवत सन में बदल जाता है, और जब किसी भी सन में आप 57 प्लस करते हैं तो वह सन विक्रमी संवत में बदल। चलिए, अब इनका जन्म स्थान राजापुर बांदा जिला उत्तर प्रदेश, राजापुर बांदा जिला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम मुंजसी देवी। ठीक, अगर इनकी क्या बोलते हैं गुरु की बात करें नरहरिदास को नरहरियानंद भी कहते हैं। ठीक, इनकी एक दासी भी थी, मुनिया नामक दासी थी। अगर इनकी पत्नी का नाम ले तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। ठीक, यदि इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु तो इनकी मृत्यु संवत 1600
विक्रमी। इनकी मृत्यु संवत 1680 विक्रमी में। और स्थान, अगर मृत्यु स्थान की बात करें तो वाराणसी, 80 घाट वाराणसी। अस्सी घाट वाराणसी, 80 घाट वाराणसी में इनकी मृत्यु। चलिए अब कहा जाता है कि तुलसी बाबा के बारे में कुछ कहानी सुन लीजिए, इनकी इनका जन्म कैसे हुआ कैसे नहीं। कहा जाता है कि तुलसी बाबा का जन्म जो है, कुछ लोग इनको वाल्मीकि जी का अवतार भी मानते हैं। और तुलसी बाबा के जन्म के बारे में यदि बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो है तुलसी के गर्भ से हुआ था, इनकी माता का नाम था। और जन्म के समय जब इनका जन्म हुआ था उस समय ये 8 वर्षीय बालक की तरह थे, 8 वर्षीय बालक की तरह थे। और इनके मुख में दांत भी थे। और जब इनका जन्म हुआ था तुरंत उठ कर बैठ जाते और राम राम कहना शुरू कर दिए थे। इसलिए इनके बचपन का नाम, एक और चीज याद आया, बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला। यानी ये तुरंत उठकर बैठ जाते हैं और तुरंत राम राम कहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इनके बचपन का नाम क्या पड़ जाता है? राम बोला। अब क्या हुआ, जब जब इनका होता है तो बताया कि 8 वर्षीय बालक की तरह, 8 वर्षीय बालक की तरह थे। और इनके जन्म के तुरंत उपरांत इनकी माता की मृत्यु हो जाती थी, हो गई थी। अब जब माता की मृत्यु हो गई थी तो उस समय इनका जब जन्म हुआ था तो मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। यानी इनका जन्म मूल नक्षत्र में, मूल नक्षत्र का मतलब जिसे आप लोग गांव की भाषा में मुरहा कहते हैं। तो जिस बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है उसके पिताजी उस बच्चे को जब तक मूल नक्षत्र की शांति नहीं हो जाती तब तक नहीं देखते। तो क्या करते हैं, इनके माता की माता का देहांत हो गया था, अब पिताजी देख नहीं सकते थे। तो उन्होंने, इनकी एक दासी थी मुनिया नामक दासी थी, तो मुनिया नामक दासी को दे दिया कि जाओ भैया तुम अपना पालन पोषण करो इस बच्चे को और तुम ही पालो पोसो। तो मुनिया क्या करती है कि इनका पालन पोषण करते करते वो किसको दे देती है? गुरु नरहरदास को दे देती है। अब इन बच्चे को नरहरदास जी पाते, नरहरदास जी के चरण में यह बच्चा क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है। ऐसा माना जाता है कि इनको जो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बनारस के शेष सनातन ऋषियों से हुई। ठीक, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो होता क्या है कि ये एक दिन जब इनकी शादी हो जाती है, यदि शादी के कुछ दिन बाद एक दिन ये भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। देखिए कहानी इनकी मोड़ कहाँ से लेती है, इन्होंने रामचरित मानस इत्यादि ग्रंथ लिखे कैसे ना, इनकी कहानी मोड़ कहाँ से ली। तो कहा जाता है कि जब इनकी शादी हो जाती है तो ये दिन भिक्षाटन के लिए गए होते थे। काफी गरीब ब्राह्मण थे, भिक्षा मांगते थे। अब भिक्षाटन के लिए गए हुए थे उसी समय इनकी पत्नी का भाई आता है, इनकी पत्नी को लेकर मायके चला जाता है। अब सोचिए, लेकिन तुलसीदास जी जो थे ये अपनी पत्नी से बहुत ही, अब क्या हुआ, इनकी पत्नी का भाई आया, इनकी पत्नी को लिवा के मायके चला जाता है। और ये जो है अपनी पत्नी के इस वियोग को सह नहीं पाते हैं। उसी रात को बारिश हो रही थी, ये बताया जाता है कि ये क्या करते हैं, उसी रात को अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं। अब नदी बढ़ी हुई थी, नदी में मुर्दा बहता हुआ रहा था। कुछ लोग, कुछ विद्वान बताते हैं कि मुर्दे के ऊपर बैठते हैं और नदी पार हो जाते हैं। जब ससुराल पहुंचे तो ससुराल के सारे द्वार बंद हो चुके थे। अब एक अंदर जाए तो जाए कैसे, तो कुछ विद्वान बताते हैं ऐसा कि पीछे की तरफ जाते हैं ससुराल के, तो वहां पे सांप चढ़ता हुआ आंगन में जा रहा था, उसकी पीछे पकड़ते हैं और आंगन में कूद जाते हैं। लेकिन इत्तफाक की बात, जैसे ही ये आंगन में कूदते हैं सबसे पहले इनकी पत्नी मिलती है। और जब इनकी पत्नी मिलती है तो बहुत क्रोध आता है,
तुरंत इनको डांटती है, कहती है लाज ना आवत आपको दौरे आयो साथ भक्ति कैसे प्रेम को कहा करो मैं अस्त चर में देह ममता में ऐसी प्रीति प्रीत लगाओ राम निताम हो यानी लाज ना आवत आपको दौरे आयो साथ हे स्वामी आपको जरे से शर्म नहीं आई और आप तो मेरे साथ दौड़े दौड़े चले आए ठीक ठीक ऐसे प्रेम को कहा करो मैं नाथ हे स्वामी मैं आपके ऐसे प्रेम को बार बार धिक्कार करती अस्थि चर्म देह मम तामे ऐसी प्रीत मेरे चमड़े के शरीर से आपको इतना ज्यादा प्रेम है प्रीत लगाओ राम निताम हो तो भी अगर यही प्रेम आप भगवान राम में लगाए होते तो आपका उद्धार हो गया। कहते हैं पत्नी की इस फटकार ने क्या किया तुलसी जी को वैराग्य दे दिया और एक तुरंत अपनी पत्नी को वही छोड़ देते हैं और करते क्या है कि आते हैं वाराणसी में रहना शुरू कर देते हैं और वही इन्होंने अनेकानेक ग्रंथों की रचना। अब इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे के देखते हैं, इनके ग्रंथों का नाम देख लेते हैं। रचनाएं इस बात की जाए इनकी रचना की तो इनकी सबसे पहली रचना किसे माना जाता है वैराग्य संदीपनी को। रचना को हम एक तरफ ले देते हैं ताकि आपको आसानी हो। पहली रचना इनकी वैराग्य संदेह इनकी प्रथम रचना है। इसके बाद ये अपनी रचना अनेकानेक रचना निकलते हैं। दूसरी रचना में लेते हैं श्री रामचरितमानस। सबसे लोकप्रिय रचना के बारे में अगर पूछता है तो कौन सी रचना है श्री रामचरितमानस। रामचरित तीसरा हम लेते हैं वरवय रामायण। चौथा रामाज्ञा प्रश्नावली। पांचवा राम लला नाचो। राम आज्ञा प्रश्नावली राम लला नाचो। अच्छा हम ले लेते हैं विनय पत्रिका। सातवां हम ले लेते हैं जानकी मंगल। पार्वती मंगल। नवा हम ले लेते हैं कवितावली। दसवां हम ले लेते हैं गीतावली। ग्यारहवा हम ले लेते हैं दोहावली। बारहवा हम ले लेते हैं कृष्ण गीतावली। तेरहवा हम ले लेते हैं हनुमान बाहु।
हम ले लेते हैं हनुमान नाशक। ठीक 15 हम लेते हैं हनुमान। एक और हम लेते हैं संकट मोचन। कुछ संकट मोचन का उल्लेख बहुत कम मिलता है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि संकट मोचन को भी उन्होंने अपनी रचना बनाया। अब ये सभी इनकी रचनाएं हैं तुलसी बाबा की। अब तुलसी बाबा के बारे में कहा क्या क्या गया? कहा जाता है इनकी जो भक्ति भावना थी, तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम देखते हैं कुछ। एक मिनट, पहला महत्वपूर्ण तथ्य तो हो गया आपका, दूसरा हम ले लेते हैं तुलसीदास की। भक्ति भावना यानी ये भगवान के प्रति इनकी कैसी भक्ति थी कि भक्ति भावना दास भाव की थी। दास भाव की थी यानी ये अपना भगवान को अपना अपने आप को भगवान का दास मानते थे। इनकी भक्ति भावना किस भाव की थी? दास भाव की थी। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि तुलसीदास की काव्य रचना, तुलसीदास की काव्य सिर्फ काव्य भाषा होती है, काव्य भाषा तुलसीदास की काव्य भाषा अवधि एवं ब्रज दोनों, यानी जो तुलसीदास की काव्य भाषा थी वो अवधि एवं ब्रज दोनों इनकी काव्य भाषा थी। ठीक, देखिए चौथा जो महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है वो ये मिलता है कि श्री रामचरितमानस की देखिए ज्यादा ऊपर लिखने से आप ठीक से पहुंच नहीं पाता है, जो आपकी हैंडराइटिंग होती है इधर उधर भागने लगती है। ऐसे बराबर आता तो लिखने में अच्छा लगता है, ऊपर हो गया थोड़ा सा। श्री रामचरित मानस की काव्य भाषा काव्य भाषा अवधि है, यानी श्री रामचरित मानस की जो काव्य भाषा है वो कैसी भाषा है? अवधि भाषा है। ठीक, दूसरी चीज इतना हो गया, यानी तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वो कैसी है आपसे पूछ सकता है, तो आप बताएंगे तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वो दास भाव की है, और तुलसीदास की जो काव्य भाषा है वो कैसी भाषा है? वो अवधि भाषा है। और श्री रामचरित मानस की काव्य भाषा के बारे में पूछेगा तो श्री रामचरित मानस की काव्य भाषा कैसी है? अवधि है। ठीक, एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप ले लीजिए, पांच पूरा हो जाएगा। तो एक और महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं, अवधि भाषा में तारीफ यानी जो तारीफ होता है का प्रयोग नहीं होता है,
अवधी भाषा में तालव विषय का प्रयोग नहीं होता। चलिए ये सभी चीजें आपको समझ में आ गया शायद, और कुछ चीजें इसमें छुट्टी नहीं है, ठीक है। कभी भी आप देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, जो तुलसी बाबा आपके थे, ये जो तुलसीदास आपके, तुलसीदास के बारे में अगर बताया जाए तो कहा, एक बार फिर से हम पुनः देख लेते हैं, तो इनका जो जन्म हुआ था, यानी तुलसी बाबा का जन्म संवत की बात करें तो 1589 में हुआ था, संवत से 57 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1532 आ जाएगा। जो 1532 आएगा वो किस में आएगा, ईसवी सन में आएगा। अगर इनके जन्म स्थान की बात की जाए तो जन्म स्थान राजापुर बांदा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। माता की बात की जाए तो इनकी माता का नाम तुलसी देवी था। गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। पत्नी का नाम रत्नावली था और इनकी मृत्यु संवत 1680 में हुई थी और मृत्यु स्थान कहाँ था, अस्सीघाट वराड, ठीक। इनकी कुल लगभग 16 रचनाएं हैं जिसमें से 12 रचनाओं को प्रमाणित कौन माना था, आपके क्या नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। अब क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी सगुण काव्य के रामाश्रय शाखा के कवि थे। किस शाखा के कवि थे, तो रामाश्रय शाखा के कवि थे। इनकी भक्ति भावना किस भाव की थी, तो दास या दास्य भाव की भक्ति भावना थी। तुलसी की काव्य भाषा कौन सी थी, अवधि एवं ब्रज थी, यानी तुलसी बाबा की काव्य भाषा अवधि एवं ब्रज है। फिर बताते हैं कि श्री रामचरित मानस की काव्य भाषा केवल अवधि है, यानी श्री रामचरित मानस की काव्य भाषा केवल अवधि है। अवधि भाषा में तालव्य स का प्रयोग नहीं होता। चलिए इतना हो गया। अब शायद हमको लग रहा है कि तुलसीदास जी के बारे में अब कुछ नहीं छूटा हुआ है, ठीक। आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, आगे फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, ढेर सारे शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। सभी लोग अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। जय श्री राम।